शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में साहस और वीरता का परिचय देते हुए एक स्वाधीन संप्रभु राज्य की नींव रखी और इसे नाम दिया हिंदवी स्वराज का। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में एक भव्य समारोह के बीच राज्याभिषेक करके उन्हें मराठाओं का राजा चुना गया। इसी दिन शिवाजी महाराज को शककर्ता और छत्रपति की उपाधि से भी विभूषित किया गया। इस राज्याभिषेक के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे शिव राज्याभिषेक शका के नाम से भी जाना जाता है। राज्याभिषेक का ये गौरवशाली दिन हमारे इतिहास के कई प्रेरणादायी अध्यायों का पर्याय है। बीती 3-4 शताब्दियों में ये एक ऐसा दिन है जिसकी मिसाल शायद दूसरी नहीं मिलती। भविष्य की पीढ़ियां इस दिन के महत्व से अनुप्राणित होती रहेंगी। शिवाजी के जीवन और कर्म को स्मरण करने और उनके द्वारा जगाई देशभक्ति की मशाल को प्रकाशित रखने के लिए हर साल 6 जून को शिव राज्याभिषेक का आयोजन किया जाता है। शिव राज्याभिषेक का आयोजन शिव राज्याभिषेक सोहला नाम से महाराष्ट्र रायगढ़ में किया जाता है। हर गुजरते साल के साथ यहां आने वाले शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में रायगढ़ के किले पर पहुंचने वालों में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी शामिल होते हैं, जिनके दिलों में शिवाजी के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा का सागर हिलोरे मार रहा होता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं दुनिया के अनोखे पहाड़ों की याद दिलाती हैं। रायगढ़ पहाड़ पर बना यह किला एक विस्तृत मैदान में बनाया गया था। किले के अवशेष इसकी अभेद्य प्रतिरक्षात्मक और आक्रामक विशेषताओं के गवाह हैं। 1656 में जब शिवाजी ने चंद्रराव मोरे को अपदस्थ कर इस किले पर कब्जा किया, तब तक ये सर्वविदित था कि किले पर हमला करना या इसे जीतने का इरादा बेकार है, क्योंकि इसके तीनों तरफ दुर्गम और लगभग लंबवत पहाड़ और गहरी खाइयां हैं। तब किले तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, जो कई छोटी छोटी पहाड़ियों से होकर गुजरता था। इस किले के आसपास इतिहास के कई साक्ष्य अभी भी खोजे जाने हैं, जिस काम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बड़े मनोयोग से कर रहा है। ऐसी अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं जो यहां हाल ही के दिनों में खुदाई से प्राप्त हुई हैं, उन्हें किले के परिसर में एक म्यूजियम बनाकर रखा गया है और कई साइट्स पर संरक्षण और खनन का काम जारी है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और महाराष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहरों और गढ़ किलों को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस यानी शिव राज्याभिषेक से एक दिन पहले स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का नेतृत्व छत्रपति संभाजी और उनकी पत्नी संयोगिता राजे ने किया। सैकड़ों स्वच्छता दूत इस संकल्प से बंधे दिख रहे थे कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ और सुंदर बनाना है। मीलों फैले इस दुर्ग परिसर के भीतर और ऊंची पहाड़ियों की खाइयों तक पहुंचकर स्वच्छता का कार्य संपन्न करना एक कठिन चुनौती है, लेकिन इस काम को करते हैं कुशल और प्रशिक्षित युवा, जिन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने का लंबा अनुभव है।
now the enemy is not them, because you're not fighting. You're fighting against plastic. You're fighting against unwanted elements which go to the food. So what we felt was, being in an environment day, let us make as a fort environment day. So let us clean Raigad Fort on 5th of June and make it the true history of what Shivaji Maharaj, which was 300 years back. So he was fighting against Mughals, he was fighting against invaders. We are fighting against the invaders who have come into the fort which they should not be. So that's plastic and all the unwanted elements. श्रीमंत संयोगिता राजे छत्रपति ने आसपास के बाजारों में पड़ी पॉलिथिन और प्लास्टिक की बोतलें खुद चुनते हुए ये संदेश दिया कि अगर उद्देश्य बड़ा हो तब कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज का सबसे बड़ा दुश्मन सोसाइटी का इज द गार्बेज। एंड आप अगर शिवाजी महाराज के फोर्ट पे आते हैं और उनको आप वंदन करते हैं और वहीं कचरा डाल के रहेंगे, that is not right. So this is what we are trying to tell them, and I think it's not our campaign, it is their Shiv Bhakt's campaign. Sri Shivrajyabhishek ke din ke uchit avsar par Maharashtra ke je Gadkot hai, jo forts hai, unka ek global cleaning ka program hai, wo hum yahan se shuru kar rahe hain. Isi kile pe 350 बरस पहले श्री शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सोहला संपन्न हुआ था. तो ये किले को और इस किले के इतिहास को हम ग्लोबल कर रहे हैं, तो हमने 4 स्टेप्स में ये अभियान रखा है. टू क्लीन द फोर्ट फर्स्ट, पहले हम इसको साफ करेंगे, दुनिया के सामने इसको लाएंगे, उसके बाद उसका कंजर्वेशन करेंगे और उसके पूरे हिस्ट्री के साथ वो 350 बरस जैसा था वैसा हम खड़ा करेंगे. तो इस अभियान का और राज्याभिषेक का संबंध यही है, राज्याभिषेक के अवसर के उचित दिन ही उसके पहले एक दिन वर्ल्ड जो जिसको हम पर्यावरण दिन बोलते हैं वो आता है. तो दोनों मिलकर पर्यावरण दिन का औचित्य और राज्याभिषेक दिन का औचित्य मिलजुल कर हम फोर्ट का क्लीनिंग कर रहे हैं. जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं, अभी हम ये सब समझते हैं कि ये शिवाजी महाराज का कंट्रीब्यूशन है. तो शिवाजी महाराज के पहले का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी कितनी फेजेस हैं, स्ट्रक्चरल फेजेस कितने हैं, उसके बाद में कितना कुछ काम हुआ है. जो अभी हम लोगों ने एसेस किया कि शुरू में जब पिछले वर्ष में आया था 3 जून को ये इम्पैक्ट, तो देखा था मैंने कि जो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से ये लगा कि ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा किला नहीं होना चाहिए जो पब्लिश मटेरियल. लेकिन जब इसका हमने एक्सप्लोरेशन किया 2-3 दिन रह करके, तब ये पता लगा ये तो बहुत विशाल किला है. इसके बारे में इसको लोगों ने समझा ही नहीं अभी ठीक से, और इसकी प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए वर्चुअल, और उसके बाद फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तब इस किले को हम कोई ना कोई स्वरूप वास्तव में दे पाएंगे. ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के क्रम में पर्यावरण के प्रति सजगता एक बड़ा काम है. ये देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेजों से आए सैकड़ों प्रशिक्षित युवा पूरे मनोयोग से इस काम में लगे दिखाई दिए. रायगढ़ के किले तक ऊपर चलकर पहुंचना एक चुनौती भरा काम है. हमने एक दिन पहले से ही शिव राज्याभिषेक की तैयारियों को नजदीक से देखा. महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त किले के परिसर पर पहुंच गए. राज्याभिषेक से पहले नुक्कड़ नाटकों के जरिए किले का ऐतिहासिक महत्व समझने दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा. यहाँ पहुँचने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की दिखी, जिनमें उत्साह देखते ही बनता था. किले की तीखी चढ़ाई पर बच्चों और बूढ़ों तक को अथक यात्राएं करते ऊपर चढ़ते देखा गया. रात को 12 बजे निकले हम लोग बाय 2-व्हीलर से होके, फिर तामनी घाट वगैरह 2-व्हीलर से आए. फिर सुबह थोड़ा आराम किया यहाँ पे 3-4 घंटा, फिर अभी सुबह 12 बजे निकले यहाँ से
3-3.5 घंटे लगे ऊपर आने के लिए पैदल। रोपवे का टिकट अवेलेबल नहीं है 6 बजे तक। इधर हम हमारे राज्य प्रति निष्ठा और इस स्वराज्य महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्रियन का आदमी का पहला स्वराज्य दिन है वो मनाने आते हैं। पहली बार आए हैं, सोच रहे हैं कि राज कैसा होगा, शिवाजी महाराज कैसे आए होंगे, गए होंगे, कितनी तकलीफ हुई होंगी, फिर से भी वो राजा बने। आजकल का राज सीधा सदा है, जो उस वक्त का राज तो कुछ अलग था, अलग की बात है। महाराज ने जो इतना काम किया है हमारे लिए वो बहुत है हमारे लिए। उन्होंने गढ़ किला बनाया तो हम क्यों न जाए एक दिन, उन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट किया है तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। शिवाजी महाराज त्या काळी कसे वरती आले ते आता मला समजते की घोडे कसे वरती आले आणि आम्ही चालून कसं वरती येतो, त्यावेळची कठीण परिस्थिती ते कसे झेलत होते आणि आपण फक्त आता चालतोय पायरेने हे किती त्यातलं डिफरन्स आहे। आणि त्या काळची तणकट मजबूतपणा तो आत्ता कोणाच्यात नाही जसा शिवाजी महाराजांच्यात आहे। जय शिवाजी जय भव। शिवाजी के 13वें उत्तराधिकारी राज्यसभा सांसद संभाजी छत्रपति आयोजन के केंद्र में रहे। वो खुद अपने सहयोगियों के साथ पैदल चलकर किले तक पहुंचे। किले पर उत्सव सा माहौल दिखाई दिया जहां संगीत और इतिहास का अद्भुत मेल देखने को मिला। पुरातत्व विभाग के उत्खनन में मिली दुर्लभ वस्तुओं की एक प्रदर्शनी का भी यहां उद्घाटन हुआ। आसमान के नीचे जमा हुए लाखों शिव भक्तों के खाने पीने का इंतजाम भी इस आयोजन में अनुशासन और भागीदारी की एक मिसाल बना। दो सौ किलो दाल, 1000 तांदूल और वटाने की सार बनाते हैं हम लोग रोज। अभी 4 दिन हो गए चालू है, अभी अभी शाम का खाना चालू, दोपहर का खाना हो गया, अभी अभी चालू खाना। 1000 किलो दाल लग रहती है, 50,000 तक हो जाता है। हो जाता है, 50,000 तक हो जाता है। छह जून यानी राज्याभिषेक का शुभ दिन। हिमालय की पवित्र नदियों के साथ आसपास के किलों का जल इस अनुष्ठान के लिए लाना इस आयोजन का अभिन्न अंग है। युवा हाइकर्स का एक समूह जोखिम उठाकर जल संग्रह करता है।
राज्याभिषेक एक्चुअल शिवाजी राजे के जो राज्याभिषेक हुआ था तब दादा भट्ट ने पूरे हिंदुस्तान से पवित्र नदियों और हर जगह से पानी लिया था, हर किले से भी पानी लिया था। तो वही संकल्पना से हमने गेले पिछले 5 साल से ये करते आते हैं। हर साल हम लोग एक हिमालयन एक्सपीडिशन रखते हैं, जो कोल्हापुर हाइकर्स की टीम एक हिमालय में जाके वहाँ से एक्सपीडिशन करके एक जल लाती है, और दूसरी टीम हमारी सह्याद्री में जो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए जो किले स्थापन किए थे उस किलो के 5 किलो से पानी लेके हर साल ये टीम रायगढ़ पर राज्याभिषेक के लिए आती है, और यही जल छत्रपति संभाजी राजे कल राज्याभिषेक के लिए यूज़ करते हैं। ये परंपरा हमारी चलती आ रही है और आगे भी कोल्हापुर हाइकर्स ये अच्छी तरह निभाने वाले हैं। राज्याभिषेक की रस्म के बाद अब यहाँ से चलकर शिवाजी की समाधि तक एक पालकी जाएगी, जिसमें शामिल होंगे ये लाखों श्रद्धालु। शिव भक्तों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण बहुत रोमांच पैदा करने वाला है। इस घड़ी के लिए वर्ष भर लोग प्रतीक्षा करते हैं और अपार कष्ट उठाकर भी इसके गवाह बनने से नहीं चूकते। और इस तरह छत्रपति शिवाजी का वार्षिक राज्याभिषेक ऐतिहासिक किले रायगढ़ में संपन्न हो गया। इस मौके पर शिवाजी के समर्थक और भक्त नए संकल्पों से भर उठे। पारंपरिक रीति रिवाजों और आवश्यक अनुष्ठानों के बीच शिवाजी के जय घोष के साथ इस नयनाभिराम समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। रायगढ़ किले का यही है वो ऐतिहासिक स्थान जहां पर 6 जून आज ही के दिन 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इस अवसर को हर साल मनाया जाता है, राज्याभिषेक का ये समारोह। खासतौर पर हाल के वर्षों में करीब 10-15 वर्षों से लगातार ये मनाया जा रहा है, जहां पर पारंपरिक अनुष्ठान पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ये राज्याभिषेक की रस्म पूरी की जाती है। महाराष्ट्र के कोने कोने से आए युवक युवतियों ने इस आयोजन में पारंपरिक वेशभूषा के साथ सम्मिलित होकर इस अवसर को विशिष्ट बनाया। रंग बिरंगी पगड़ियों और घोड़े पर सवार तलवारों से सुसज्जित शिव भक्तों के नयनाभिराम जुलूस ने अवसर की विशिष्टता में 4 चांद लगा दिए। आज हम दुर्गराज रायगढ़ पे हम सब आए हुए, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक आनंद उत्सव होता है, इसलिए एक लाखों शिव भक्त यहाँ आए हुए। शिवाजी महाराज को छत्रपति यही जगह पे उनको संबोधित किया था, यही उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 में हुआ था, और यहाँ से उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारा स्वराज्य इस सुराज्य होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि शिवाजी महाराज की व्याप्ति, शिवाजी महाराज की जो ताकत है, ये 6 जून को आप देखते। पर शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ किला है, ऐसे अनेक 400-500 किले है, तो हमारा प्रयास यही है कि सब किले का संवर्धन होना चाहिए। तो रायगढ़ प्राधिकरण से माध्यम से हम पहले ये करें कि रायगढ़ किला का हम संवर्धन करें। काम भी शुरू हुआ है। अभी एक 20-25 दिन पहले प्रधान के सचिव मिश्रा जी, उन्होंने मीटिंग ली थी जिनसे रायगढ़ का हमने एक टैब किया है, जो महत्वपूर्ण जो काम होते हैं वो पुरातत्व खाता यानी ASI करते, और जो अति महत्व काम जो नहीं है पर महत्वपूर्ण काम है, जैसे फोर्ट्रेस वॉल है, वो PWD सेल महाराष्ट्र का अंडर द गाइडेंस ऑफ ASI करेंगे। वैसे महाराष्ट्र में जैसे मैंने आपको बताया 400 फोर्ट्स है, तो 80 फोर्ट्स ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, उसमें 44 फोर्ट्स ये सेंट्रल ASI में आते, तो उस सेंट्रल ASI में रायगढ़ है,
देवगिरी है, सिंधुदुर्ग जो जलदुर्ग किला है वो उसमें आते हैं। सो उसका हम संवर्धन, उसका हम रिस्टोरेशन करने वाले हैं, काम भी शुरू हो गए। उस हिसाब से बाकी 40 फोर्ट्स का भी रिस्टोरेशन शुरू होने वाला है। एमओयू एक 10-15 दिन में एमओयू भी होगा, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और रायगढ़ प्राधिकरण का होगा। उसके बाद एक प्रेसिडेंस लेके हम स्टेट ऐसे कि जो 40 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जो शिवाजी महाराज की पहली राजधानी थी राजगढ़, जिसको हम गढ़ का राजा राजगढ़ ऐसे संबोधित करते हैं, तो उसका भी हम 40 फोर्ट्स का रिस्टोरेशन होने लगा। आज इस साल का एक स्पेशल हमने संकल्प लिया है कि जो स्वराज्य के जो शत्रु थे उस टाइम अलग थे, अभी शत्रु जो प्लास्टिक है, वो कचरा है, वो रायगढ़ कचरा मुक्त प्लास्टिक मुक्त हम करने का हमारा मानस है। 5 जून ये पर्यावरण दिन है, इसलिए हम गढ़कोट दिन यानी किला दिन हम साजरा मनाने की हमारी प्रयास है। और आपको भी मालूम होगा कि 27 और 28 तारीख को गिरिया रोग, जो स्पेशलाइज्ड जो लोग होते महाराष्ट्र में, जैसे पहले शिवाजी महाराज के सेनानी जाते थे, वैसे उन्होंने अपने खिंड जो अपन बोलते जो उस जगह पे वो गए, वो सब कचरा लिया। आज 10,000 शिव भक्त ने एक रजिस्ट्रेशन भी किया है, हम भी इस मुहिम में भाग लेंगे। और यही अच्छी बात है कि एक मैसेज मुझे महाराष्ट्र में देना था कि शिवाजी महाराज का संवर्धन या रिस्टोरेशन, उसका एक भाग क्लीनलीनेस है। हाँ, वो क्लीनलीनेस में जैसे कचरा मुक्त और प्लास्टिक मुक्त है, तो वो हमारा प्रयास है। और मैं खुशी से ये कहना चाहता हूँ वो प्रयास यशस्वी हो गया। इस समारोह में बीते 12 वर्षों में लगातार दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो युवाओं की प्रतिभागिता की दृष्टि से अभूतपूर्व है। From my point of view, basically what I see is like the youth sees an idol in Shivaji Maharaj. There are so many values which have been missing in the certain time between, which have not been taught everywhere. So when they find such values, they feel attracted towards them. So that's what draws them here. And it's also, you can see the celebration and all the festivities going around. So such things, you know, just give them a chill and make them feel good about it. And also these are the things which are going to help you in your daily life. So that is the thing why I think they're attracted to such a thing. कठिन यात्राओं और प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद शिवाजी के जीवन और कर्म से प्रेरणाओं के प्रति मराठी जनता का लगाव एक उदाहरण है, जो इस बात को स्मरण रखना चाहती है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों के बावजूद शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की दिशा में अपना जीवन अर्पित किया और सामान्य जन की मुक्ति का काम किया।